हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आपका बजट 15 से 17 हज़ार के बीच में है और इस प्राइस रेंज में आने वाला एक अच्छा 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। काफी रिसर्च, रिव्यू और एनालिसिस करने के बाद हमने इस वीडियो में 5 स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है। यह पांचों काफी लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन है, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आप इनमें से किसी को भी खरीदते हैं तो बाद में आपको कोई भी पछतावा नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके इन सभी फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो वीडियो में जरूर आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी इन पांचों में से अपने लिए एक अच्छा फोन ढूंढ पाएंगे अपने प्राइस के हिसाब से। और किसी फोन को हमने रैंक नहीं किया है क्योंकि प्राइस के हिसाब से सभी फोन अपनी जगह अच्छा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हमारे लिस्ट में पांचवें नंबर पे आता है वीवो की तरफ से वीवो Y56 5G। ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है वीवो की तरफ से आने वाला, लेटेस्ट फोन है, सभी फीचर काफी अच्छा दिया गया है। स्पेशली फोन का जो डिजाइनर बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। काफी हल्का स्मार्टफोन है, सिर्फ 184 ग्राम वेट के साथ आता है। बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक का मिलता है। बैक पैनल पे कोई भी फिंगरप्रिंट के निशान देखने को नहीं मिलेगा अगर आप फोन को बिना कवर के भी यूज करते हैं। तो काफी प्रीमियम लुक के साथ आता है। स्पेशली इसका जो ऑरेंज कलर वाला वेरिएंट है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें आपको हाइब्रिड स्लॉट ही देखने को मिलेगा। तो दो 5G सिम कार्ड आप एक साथ यूज कर पाएंगे या फिर एक सिम कार्ड के साथ एक मेमोरी कार्ड। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आ जाता है। कुल मिलाकर कहें तो डिजाइनर बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फोन के हाईलाइटेड फीचर की। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो 6.58 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD स्क्रीन दिया गया है जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। लो रिफ्रेश रेट के साथ आता है, फिर भी डिस्प्ले काफी स्मूथ है, गेमिंग काफी मजे से कर पाएंगे। लेकिन इसके चलते आपको जो बैटरी बैकअप इस फोन में काफी तगड़ा मिलेगा। डिस्प्ले काफी ठीक ठाक दिया गया प्राइस के हिसाब से, ये फोन आपको 15,000 रुपए के प्राइस में मिलेगा। एवरेज डिस्प्ले मिल जाता है क्योंकि इस प्राइस में आपको जो अदर फोन में 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो बैक साइड में दो कैमरा दिया गया है, 50 MP का मेन लेंस मिल जाता है और 2 MP का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए फ्रंट साइड में 16 MP का कैमरा दिया गया है। बैक और फ्रंट दोनों कैमरे से 30fps पर 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे आप। और कैमरा फीचर में नाइट मोड, स्लो मोशन, HDR, पैनोरमा जैसे फीचर भी दिया गया है। तो कैमरा भी प्राइस के हिसाब से काफी हैवी मिल जाता है, स्पेशली सेल्फी कैमरा काफी तगड़ा है। तो चाहे वो फोटो क्वालिटी हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी, डिटेलिंग काफी अच्छा देखने को मिलता है, कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कैमरे की तरफ से। चलिए इस फोन के बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं। तो 5000mAh का बैटरी मिल जाता है जो कि एक दिन तक का बैटरी बैकअप आराम से देगा और 18W का एडाप्टर दिया गया है। चार्जिंग स्पीड में आपको एवरेज ही मिलेगा यह फोन, लेकिन बैटरी बैकअप में काफी अच्छा है। फास्ट चार्जिंग वाले एडाप्टर को आप यूज कर सकते हैं जैसे कि 33W वाले एडाप्टर को। अगर आप 18W के इस एडाप्टर से चार्ज करते हैं तो फुल चार्ज करने में करीब 1.5 घंटे से ऊपर का टाइम लगता है। चलिए इस फोन के प्रोसेसर की बात करते हैं। तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का 5G प्रोसेसर दिया गया है, 7nm पे बना है। काफी अच्छा पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है इस फोन में। पबजी, फ्री फायर, फ्री सूट जैसे कोई भी ग्राफिक्स वाले गेम हो फुल सेटिंग में आप 2-3 घंटा रेगुलर गेम प्ले कर सकते हैं। हैवी गेमिंग करेंगे तो फोन में आपको हीटिंग इशू भी देखने को मिलेगा और फोन लैग भी करेगा। तो एवरेज गेमिंग आप कर सकते हैं इस फोन में। एंड्रॉइड 13 के साथ आता है जो कि काफी अच्छी बात है, फंटस 13 पे वर्क करता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सभी फीचर प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा दिया गया है। सिर्फ जो है डिस्प्ले कम से कम 90Hz का होना चाहिए था, बाकी सभी फीचर ठीक है। अगर आपका बजट 15,000 रुपए तो वीवो के इस फोन के साथ आप जा सकते हैं, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा एक बार वीडियो देख लेने के बाद। अब फोर्थ नंबर पे आता है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 30 5G। इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला ये काफी अच्छा 5G स्मार्टफोन है, 15,000 रुपए के प्राइस में मिलता है। ये फोन आपके हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, चाहे आप गेमिंग फोन लेना चाहते हैं कैमरा के लिए या फिर जो अच्छा बैटरी बैकअप के लिए। तो चलिए इस फोन के बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो बैक पैनल लेदर का मिल जाता है, फ्रेम प्लास्टिक का दिया गया है। थोड़ा सा हैवी फील कराता है ये फोन क्योंकि 205 ग्राम वेट के साथ आता है। अच्छी बात यह है कि डेडिकेटेड स्लॉट के साथ मिल जाता है, तो दो 5G सिम कार्ड के साथ एक मेमोरी कार्ड आप एक साथ यूज कर पाएंगे और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इस फोन में। तो डिजाइनर बिल्ड क्वालिटी में ये फोन काफी अच्छा है, देखेंगे अगर आप इस फोन को तो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर की। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो काफी बड़ा सा स्क्रीन दिया गया है, 6.78 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल मिलता है जो कि 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 580 निट्स तक का पिक ब्राइटनेस भी दिया गया है, तो कोई भी ब्राइटनेस प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप फोन को धूप में यूज करेंगे। तो काफी अच्छा और अल्ट्रा स्मूथ पैनल मिल जाता है, गेमिंग करने में और वीडियो देखने में दोनों में आपको काफी मजा आएगा क्योंकि काफी बड़ा सा पैनल मिलता है और हाई रिफ्रेश रेट के चलते तो स्क्रोलिंग फास्ट देखने को मिलेगा ही डिस्प्ले पे। चलिए कैमरे की बात करते हैं। तो कैमरे में भी ये फोन पीछे नहीं है, बैक साइड में 3 कैमरा मिल जाता है, 108 MP का मेन लेंस दिया गया है, 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है और एक QVGA लेंस दिया गया है जो कि काफी अच्छा वर्क करता है और सेल्फी के लिए 16 MP का कैमरा है फ्रंट साइड में। बैक कैमरे से 30fps पर 1440p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और सेल्फी कैमरे से 30fps पर 1080p तक में। और कैमरा फीचर में नाइट मोड, स्लो मोशन, HDR, पैनोरमा जैसे फीचर दिया गया है जिसे यूज करके आप काफी अच्छा फोटो क्लिक कर सकते हैं। डिटेलिंग वगैरह काफी अच्छा देखने को मिल जाता है फोटो का। तो कैमरे की तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, काफी अच्छा कैमरा सेटअप दिया गया है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फोन के बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की। तो
5000 मिली एम्पीयर का बैटरी दिया गया है। तेजी से चार्जिंग के लिए 45 वाट का एडाप्टर भी मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। चार्जिंग स्पीड आपको फास्ट मिलेगा इस फोन में। 50 से 60 मिनट के अंदर ये फोन 0 से 100% तक चार्ज हो जाता है और आपको बैटरी बैकअप भी एक दिन तक का देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक हैवी यूजर हैं, फिर भी नॉर्मल यूजर हैं, तब तो आपको 1.5 दिन तक का भी बैटरी बैकअप मिलेगा इस फोन में। तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड में भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रोसेसर भी काफी हैवी मिल जाता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 का 5G चिपसेट है, जो कि 6 नैनोमीटर पे बना है। काफी अच्छा 5G चिपसेट दिया गया। मीडियम सेटिंग में आप पबजी, फ्री फायर, सीओडी जैसे हाई ग्राफिक्स वाले गेम को प्ले कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाता है इस फोन में। इस फोन में आपको थोड़ा बहुत वॉलपेपर देखने को मिलेगा, लेकिन आप उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस फोन के बारे में कहा जाए तो प्राइस के हिसाब से सभी फीचर काफी अच्छा दिया गया है। स्पेशली कैमरा, बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो वीडियो देख लेने के बाद आप इस फोन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब हमारे लिस्ट में थर्ड नंबर पे आता है रियलमी की तरफ से रियलमी 11 5G। काफी अच्छा 5G स्मार्टफोन है। 17,000 रुपए की प्राइस तक में ये फोन आपको मिलेगा। तो चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले डिजाइनर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, तो काफी नए लुक के साथ ये फोन आता है, प्रीमियम लुक देता है। देखने में ये फोन आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। बैक पैनल प्लास्टिक का दिया गया है, फ्रेम एल्युमिनियम का मिल जाता है। काफी स्लिम बॉडी के साथ ये फोन देखने को मिल जाता है और काफी हल्का भी है, क्योंकि ओनली 190 ग्राम वेट के साथ आता है। और डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया इस फोन में, जो कि काफी अच्छी बात है, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। डिजाइनर बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, मुझे तो ये कलर वाला वेरिएंट काफी ज्यादा पसंद आया। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए इस फोन के हाइलाइटेड फीचर की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो काफी बड़ा सा स्क्रीन दिया गया है, 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD स्क्रीन है, जो कि 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 680 निट्स तक का पिक ब्राइटनेस दिया गया है। काफी अल्ट्रा स्मूथ स्क्रीन है। वीडियोज देखने में और गेमिंग करने में दोनों में आपको काफी मजा आएगा। लेकिन इस प्राइस पॉइंट में आपको जो है अदर फोन में एमोलेड पैनल भी मिल जाता है, तो उसके हिसाब से डिस्प्ले थोड़ा पीछे ही रह जाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो बैक साइड में 2 कैमरा दिया गया है, 108 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। बैक और फ्रंट दोनों कैमरे से 30fps पर 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और नाइट मोड, स्लो मोशन, HDR, पैनोरमा जैसे फीचर आपको मिलेगा ही। तो काफी अच्छा दिया गया है कैमरा सेटअप, काफी अच्छा फोटो वगैरह क्लिक कर पाएंगे इस फोन से, डिटेलिंग काफी अच्छा देखने को मिलता है। और वैसे भी 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, तो फोटो क्वालिटी तो अच्छा मिलेगा ही। लो लाइट में भी फोटो क्लिक करते हैं तो डिटेलिंग काफी अच्छा आता है। चलिए इस फोन के बैटरी बैकअप चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं। तो इसमें भी जो है ये फोन पीछे नहीं है, 5000 mAh का बैटरी दिया गया है। तेजी से चार्जिंग के लिए 67 वाट का एडाप्टर इस फोन में मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इस फोन में मिलता है। 25-30 मिनट काफी है 0 से 100% तक चार्ज करने के लिए। तो अगर आप फास्ट चार्जिंग वाला फोन लेना चाहते हैं रियलमी का और आपका बजट 17,000 रुपए है, तो जरूर इस फोन को आप चेकआउट कीजिएगा। बैटरी बैकअप भी आपको इस फोन में एक दिन तक आराम से देखने को मिल जाएगा। और परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+ का 5G चिपसेट है, जो कि 6 नैनोमीटर पे बना है। काफी अच्छा प्रोसेसर दिया गया इस फोन में। फुल सेटिंग में आप 2.5-3 घंटा रेगुलर भी गेम प्ले करते हैं इस फोन में, तो कोई भी हीटिंग इशू या फिर लैगिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप ज्यादा गेम प्ले करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इश्यू देखने को मिलेगा, अदरवाइज परफॉर्मेंस में काफी अच्छा है। एंड्रॉइड 13 के साथ आता है, रियलमी UI 4.0 पे वर्क करता है। थोड़ा बहुत बॉटलनेक मिलेगा इस फोन में, जिसे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस फोन के बारे में कहा जाए तो काफी अच्छा 5G स्मार्टफोन है। 17,000 रुपए के प्राइस तक में आराम से मिल जाएगा। अगर आप एक अच्छा कैमरा वाला फोन लेना चाहते हैं फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, सो डेफिनेटली आप इस फोन को चेकआउट जरूर कर लीजिए। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है वीवो की तरफ से वीवो T2 5G। वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, हाल ही में लॉन्च किया गया है। फीचर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। डिजाइनर बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा है। बैक और फ्रेम दोनों प्लास्टिक का मिलता है इस फोन में। बैक पैनल पे कोई भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं आता है, जो कि काफी अच्छी बात है अगर आप बिना कवर के भी फोन को यूज करेंगे तो। काफी स्लिम बॉडी के साथ आता है और काफी हल्का है, 172 ग्राम वेट देखने को मिलता है इस फोन का, तो काफी हल्का फील कराता है। लाइट वेट स्मार्टफोन है, एक हाथ से काफी आसानी से इस फोन को यूज कर पाएंगे। लेकिन इसमें आपको हाइब्रिड स्लॉट ही देखने को मिलेगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। तो ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा मिल जाता है, देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये फोन। चलिए इस फोन के मिनिमम फीचर की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो एवरेज साइज का स्क्रीन दिया गया है, 6.38 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन मिल जाता है, जो कि 90Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 1300 निट्स तक का पिक ब्राइटनेस दिया गया है, तो काफी अल्ट्रा स्मूथ स्क्रीन मिल जाता है। कोई भी ब्राइटनेस प्रॉब्लम होगा नहीं अगर आप फोन को कड़ी धूप में यूज करेंगे तो। और आपको तो पता ही है कि एमोलेड स्क्रीन का परफॉर्मेंस कितना अच्छा होता है। चलिए इस फोन के कैमरे की बात करते हैं। तो कैमरे के लिए बैक साइड में 2 कैमरा दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिल जाता है, जो कि OIS सपोर्टेड है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि काफी अच्छा फोटो क्लिक करके देता है। फोटो क्वालिटी हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी, डिटेलिंग काफी अच्छा देखने को मिलता है, जूम करने पे फटता नहीं है। और आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि वीवो का जो फोन है स्पेशली कैमरा और डिजाइन के लिए ही जाना जाता है, तो कैमरा तो परफेक्ट मिलता ही है। कैमरा फीचर में नाइट मोड, स्लो मोशन, HDR, पैनोरमा और फेस डिटेक्शन जैसे फीचर मिल जाता है। इस फोन का जो लेंस है वो काफी पावरफुल होता है, तो कैमरे की तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। 4500 mAh की बैटरी के साथ 44 वाट का एडाप्टर भी दिया गया है,
जो कि काफी अच्छी बात है। एक दिन तक का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा और 40 से 50 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज भी हो जाता है ये फोन। और परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट है, 6 नैनोमीटर पे बना है। काफी अच्छा प्रोसेसर दिया गया, एंड्रॉइड 13 के साथ आता है, फोन टच 13 पे वर्क करता है। तो आप इस फोन को खरीद सकते हैं अगर आपको वीवो का एक फोन पसंद है तो। स्पेशली कैमरा में ये फोन काफी तगड़ा है और डिस्प्ले भी एमोलेड मिलता ही है, तो सभी फीचर काफी अच्छा दिया गया है। एक ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन बोल सकते हैं। अगर आपका बजट 17,000 रुपए तो आप इस फोन को खरीद सकते हैं। अब फर्स्ट नंबर पे आता है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 13 5G। काफी लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन है, 2024 के जनवरी मंथ में ये लॉन्च हुआ है। चलिए इस फोन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो हाईलाइट फीचर की बात करते हैं तो सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में कहें तो 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल है जो कि 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 1000 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस भी दिया गया है और प्रोटेक्शन के लिए डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 को यूज किया गया है। काफी अच्छा पैनल मिल जाता है, काफी अच्छा डिस्प्ले है, सभी फोन से जो है डिस्प्ले में काफी बेहतर है। गेमिंग काफी स्मूथली कर पाएंगे और वीडियो देखने में तो आपको मजा आएगा ही। और कैमरे के लिए बैक साइड में 3 कैमरा दिया गया, 108 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया है 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी कैमरा भी 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है। बैक और फ्रंट दोनों कैमरे से 30fps पर 1080p तक में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो कैमरा में काफी अच्छा है, कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो फोटो क्वालिटी हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी। डिटेलिंग काफी अच्छा देता है और 5000mAh की बैटरी के साथ 33W का अडेप्टर भी दिया गया है। तो 1 घंटे के अंदर ही 0 से 100% तक चार्ज हो जाता है और बैटरी बैकअप 1 दिन तक आराम से मिलेगा। नॉर्मल यूजर है तो 2 दिन भी आप इस फोन को यूज कर पाएंगे। और परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 का 5G प्रोसेसर है जो कि 6 नैनोमीटर पे बना है। एंड्रॉइड 13 के साथ आता है और MIUI 14 पे वर्क करता है। काफी अच्छा और लेटेस्ट वाला 5G प्रोसेसर दिया गया है। गेमिंग काफी अच्छे प्ले कर पाएंगे, फुल सेटिंग में जो है पूरे दिन गेम प्ले कर सकते हैं। तो रेडमी की तरफ से आने वाला काफी अच्छा 5G स्मार्टफोन है। अगर आपका बजट 17,000 रुपए तो आप इस फोन को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इन 5ों में से कौन सा फोन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।